हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा वन नेशन वन राशन कार्ड पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली SSC, CGL, CHSL, MTS और बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। एक बार इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। और आपको एसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट को वॉच करना है, दोनों ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशियंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, SSC CGL, CHSL, SSC GST या फिर IBPS PO के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करनी है, इंट्रोडक्शन से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। तो कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन ये देख लेते हैं। राशन कार्ड सरकार द्वारा घरों में जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के लिए पात्र हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले बता सकते हो कि राशन कार्ड क्या होता है। राशन कार्ड क्या है? सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला जो है एक सरकारी दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है जितनी भी PDS शॉप्स होती हैं, जो राशन शॉप्स जिनको बोलते हैं, उनके अंतर्गत सब्सिडी पर बेस जो है खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने के लिए पात्र हो जाते हैं, जिनको ये राशन कार्ड जो है उपलब्ध होता है, राइट। तो यहाँ से आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, बता सकते हो शुरुआत में कि राशन कार्ड क्या होता है, राइट। इसके बाद देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 2019 में 4 राज्यों में पायलट बेस पर एक तरह से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा शुरू की गई, ठीक है। यानी ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना को 2019 में 4 राज्यों में पायलट बेसिस पर शुरुआत किया गया, मतलब ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीय मंत्री राजविलास पासवान द्वारा, ठीक है। इस कार्ड की मदद से प्रवासी श्रमिकों को देश भर में राशन की दुकानों से सस्ती दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आप बता सकते हो इसके माध्यम से वन राशन कार्ड के माध्यम से इस योजना के तहत जो है देश भर में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको काफ़ी मदद मिली है। इसके द्वारा जितनी भी राशन की दुकानें हैं वहाँ से जो खाद्य पदार्थ हैं वो सभी खाद्य सामग्री जो है खदान है वो सभी जो है सस्ती दर पर उपलब्ध किए जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो बेटर वे में, और आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे इस टॉपिक का, राइट। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो केंद्रीय सरकार ने राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया है जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा जो है राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप यानी कि एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है इसके लिए, जिसका नाम इसको रखा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है। इस योजना के तहत देश में रहने वाला कोई भी नागरिक पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना के तहत जो है देश में रहने वाला कोई भी नागरिक पूरे देश में, ठीक है। पहले क्या होता था कि राशन कार्ड जहाँ पर जिस जगह के लिए बना होता था, जिस राशन शॉप के लिए बना होता था, केवल वहीं से अनाज लिया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जो है वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कहीं से भी बेसिकली किसी भी जगह से जो पर्सन है वो PDS शॉप से जाकर ले सकते हैं अनाज, ठीक है, जो भी रेट होगा उस रेट पर। तो यहाँ पर आप इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इस योजना का मूल उद्देश्य देश भर के गरीब वर्गों को कम दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है,
ठीक है, यानी कि इस योजना का मूल उद्देश्य आप बता सकते हैं, जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको स्पेशली जो है जो खदान है उनको पर्याप्त मात्रा में कम दरों पर प्राप्त हो सके, इस वजह से ही इसको इस योजना को शुरू किया गया, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह से बॉडी सेक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इससे रिलेटेड करेंट में क्या चल रही सिचुएशन उसको बता सकते हो। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के दौरान 75 लाख मजदूर अब तक घर लौट आए हैं, जिनमें ट्रेन द्वारा 35 लाख और बसों द्वारा 40 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में करीब करीब 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, और इनमें से लॉकडाउन की स्थिति के दौरान जो है 75 लाख मजदूर जो हैं अब तक अपने अपने घरों तक लौट आए हैं, और इन 75 लाख में 35 लाख जो है बसों से आए हैं और 40 लाख जो है वो बेसिकली ट्रेनों से आए हैं। ठीक है, बसों और ट्रेनों से यहाँ पर आप बता सकते हो, ट्रेनों से 35 लाख, बसों से 40 लाख। तो ये से जो है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इसको भी आप बता सकते हो। ये प्रवासी मजदूर हर साल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब आदि की यात्रा बेहतर रोजगार की तलाश में करते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी जो प्रवासी मजदूर हैं ये बेसिकली कहाँ से हैं, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से। यूपी, बिहार और एमपी से कहाँ को जाते हैं, बेसिकली महाराष्ट्र की ओर, गुजरात की ओर, कर्नाटक की ओर और पंजाब की ओर, इन राज्यों में बेसिकली ये माइग्रेट करते हैं और ताकि उनको बेहतर रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिचुएशन बता सकते हो जो बेसिकली यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की है। और जब ये वापस लौटे हैं तो उनके पास अब काम धंधा तो कुछ है नहीं, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, इस वजह से उनको प्रॉपर जो है खाद्यान्न जो है इस योजना के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वे भूखे ना रहें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप सिचुएशन बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। इस योजना से पीडीएस की दुकानों पर होने वाली कालाबाजारी को कम किया जा सकता है या कम होगी इससे। ठीक है, यानी इस योजना से जो है पीडीएस की जो दुकानें हैं उन पर, जो राशन की दुकानें हैं उन पर जो कालाबाजारी है वो भी कम हो सकेगी। वर्तमान में पीडीएस दुकानों के मालिक वास्तविक लाभार्थी की अनुपस्थिति में इन खदानों को बाजारों में बेच देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली क्या है, जो लाभार्थी अगर वो नहीं पहुंच पाए राशन शॉप पर तो उनका जो अनाज है वो बाजार में बेच दिया जाता था, इसको ही कालाबाजारी बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब जितने भी दुकानदार होंगे उन सबके पास POS मशीन होगी और उन मशीनों में जो है उन आधार कार्ड के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो है एंट्री होगी, तो जिससे ये पता रहेगा कि कौन जो व्यक्ति जो है कितना अनाज ले गया। तो अब इस तरह से जो कालाबाजारी पहले होती थी वो नहीं हो सकेगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद देखो लास्ट पैरा में आप लिख सकते हो, यह योजना निश्चित रूप से समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए अहम भूमिका निभा रही है और उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट वे में, और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे इस टॉपिक को लिखना है, किस तरह से इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा जीके जीएस के लिए। स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
नई ट्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।